हैं दोस्तों, आज मेरे पास स्मार्टफोन आया हुआ है, ये जो भी मॉडल हो दोस्तों, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बता रहा हूँ मैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो जब मोबाइल में लगाता है तो काफ़ी इधर उधर करने से जो है ये कनेक्ट लेता है, अन्यथा ये छोड़ देता है। कभी कभी छोड़ ही देता है, नहीं तो कभी कभी मतलब अब तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है दोस्तों, अब बिल्कुल लाइन भी नहीं आ रहा है। हाँ, कभी कभी जो है इधर उधर करने के बाद लाइन आता है। तो दोस्तों इस तरह का जो स्मार्टफोन आता है दोस्तों, इसमें जो है अधिकतर दोस्तों ये तार का ही प्रॉब्लम आता है। ये जो LG 3500 वायर है दोस्तों, ये जो कनेक्टर है, सॉरी, ये कनेक्टर जो है इसमें ही प्रॉब्लम आता है। होता है क्या दोस्तों, इसमें गंदा लग जाने का ऐसा प्रॉब्लम आता है, यानी तो दोस्तों यहाँ से प्रॉब्लम आ जाता है, यानी तो इस जगह से प्रॉब्लम आ जाता है, यानी तो कहीं से तार वगैरह कट जाता है तो प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आज मैं यही बताऊंगा दोस्तों, देखो ये तो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ से है, क्योंकि कस्टमर पहले बोल चुका है कि भैया ये यहाँ से प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों आपके पास कोई भी डाटा केबल होगा ना, कोई भी तार डाटा केबल जो आता है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं इस तरह का जो मेरे पास मोबाइल चार्जर का जो डाटा केबल आता है ना, तो ये पुराना है बट ये ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो काट के हम उसमें सेट करेंगे, और कैसे लगाया जाता है वो आपको मैं बताऊंगा, ताकि दोस्तों आप खुद से जो है आप लगा सकते हो। ये दोस्तों देखो, आप कनेक्शन अगर उल्टा पुल्टा करोगे तो ये काम नहीं करेगा, और हो सके तो ये स्मार्टफोन खराब भी हो सकता है मे भी, ठीक है। तो यही बताऊंगा दोस्तों कि आप इसको काट के, और ये नॉर्मल कोई भी डाटा केबल, ठीक है, कोई भी डाटा केबल, ठीक है, जिसमें तार चार वायर रहता है, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, वो आप कैसे लगा सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ये आपको इसका तार जो है हमें काट लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम तार काट लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको छीलना है, इस तार को क्या है इसको छीलना है। तो चलिए हम इसको छीलते हैं दोस्तों, इसको हम मैंने छील दिया है ना, ये देखिए इसमें इसको मैंने छील दिया है, और इसका जो तार है दोस्तों ये चार वायर है, इसमें क्या है चार को वायर है। तो आपका जो डाटा केबल होगा दोस्तों, वो भी इसके अंदर जो है चार तार होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत में डाटा केबल में क्या होता है, दो को ही तार रहता है। तो अगर ओरिजिनल डाटा केबल है दोस्तों, तो उसमें चार तार ही होगा, ठीक है। तो चलिए इधर तो मैंने छील दिया है, तो जो है इसको क्या है, इसको छीलना है, इसका वायर को निकालना है ना। अब उससे पहले दोस्तों इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तार को निकालना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों इसको हम छीलें तो बस ये जो है निकल गया तार, ठीक है, तो तार ये भी निकल गया दोस्तों। तो इसका मतलब इसका अंदर से ही जो है पूरा बिल्कुल कटा हुआ है ना। तो चलिए हम यहाँ से जो क्या करते हैं, यहाँ से इसको काटते हैं, ताकि समझ में आएगा कि इसका कौन कनेक्शन किधर जाएगा। देखो दोस्तों इसका जो है थोड़ा सा छोड़ यहाँ बचा हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि तो कौन तार का कनेक्शन किधर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसको निकालते हैं। तो देखो दोस्तों इसका जो है सारा तार जो हम निकाल चुके हैं। अब क्या है दोस्तों कि सारा तार को जो हमको छीलना है, ठीक है, इसका भी और इसका भी छीलना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका तार को जो है छील लेते हैं, दोस्तों ये सारा छील चुके हैं दोस्तों, सारा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसीलिए दोस्तों छील लेते हैं, ताकि वीडियो आपको दिखा नहीं पाते हैं कि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि छोटा मोटा काम के लिए दोस्तों ये ज़्यादा लंबा वीडियो ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं, आई थिंक, ठीक है। तो दोस्तों सारा डिटेल आपको नहीं बता पाते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा कटिंग करना पड़ता है। तो देखो ये जो है हम देखिए दोस्तों, ये जो है हम बिल्कुल सारा तार को छील चुके हैं, है ना, ये सारा तार को छील चुके हैं। आ देखो अब चेक करना है क्या है दोस्तों, ये देखिए आपको लाइट टेस्टर लेना है ना, लाइट टेस्टर ले लिया है मैंने, ठीक। अब देखिए अब क्या है, इसमें थोड़ा आलपिन लगाना है, देखिए देखिए, या कोई भी सुई है रहेगा आपके पास तो सुई लगा सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये बन गया है, अब देखिए ये जो है काम कर रहा है ना। अब देखो अब आपको अब देखो ये सारा चीज़ तो हो गया। अब देखिए अब कोई डाटा केबल जो है आपको ये खड़ा बला है ना, ये डाटा केबल का वायर, चलिए हम यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम वायर को काट लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें चार गो तार है क्या नहीं, तो आई थिंक इसमें चार गो तार होगा ही, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी अच्छा क्वालिटी का डाटा केबल है ये। देख लें दोस्तों कि ये डाटा केबल का जो है ये इसमें गंदा वगैरह तो नहीं है ना, बिल्कुल फ्रेश है ना, ये जरूर देख लेना इसमें, ठीक है। सारा का कनेक्शन तार छील लेते हैं, ठीक है, ये सारा तार हम छील चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है, ये देखिए आपको देखिए ये जो है ये जो दो गो कट है, ये देखिए ना दो गो कट, ये दो गो कट है ना, ये दो गो जो निकला हुआ है दोस्तों, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये जो दो निकला हुआ है इसको ऊपर रखना है और इसको भी ऊपर रखना है, ठीक है, इसको भी इस तरह सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम नीचे रख दिए हैं इस तरह से। अब देखिए अब चेक क्या करना है, ये देख लो आप, चलिए पहले हम रेड वाला लेते हैं, ठीक है, चलिए इसका जो है पहले रेड वाला लेते हैं, रेड वाला हम सटाएं, है ना, ये देखिए कलर रेड है दोस्तों, ये कलर रेड है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए इसमें सटाएं, आप देखते हैं कौन किससे बताता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ बता रहा है, चलिए इस समय नहीं बता रहा है, चलिए यहाँ बता रहा है सिर्फ, है ना, ये यहाँ बता रहा है, यानी इस साइड जो है बता रहा है, रेड जो है इस साइड से बताया है ना, इस साइड से बताया। तो चलिए अब जो है हम इस साइड से कौन बताता है ये देख लेते, चलिए हम रेड को छूते हैं, पकड़ते हैं इसका भी, तो देखिए ये बताता है कि नहीं इस साइड, ये देखिए इस साइड रेड, इसका भी रेड कलर जो है इस साइड ही बताया है ना, ये देखिए, और किसी से नहीं बताएगा,
देखिए हाँ ये यहाँ से बता रहा है, और दोस्तों और इससे सटाएंगे तो नहीं बताएगा, सिर्फ रेट से ही बताएगा, देख लीजिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, है ना, नहीं बता रहा है ठीक है। तो दोस्तों जो है ये रेट जो है इस साइड का है, तो ये रेट क्या है इसका, इससे कनेक्शन हो जाएगा है ना, तो ये रेड का रेड, ये भी रेड कलर है ना, इसको इससे कनेक्शन कर देना है। चलिए एक कनेक्शन तो समझ गए, आप देखिए दूसरा आप क्या है, चलिए रेड तो ले चुके हैं, अब यहाँ से ब्लैक है ना, चलिए तो ब्लैक लेते हैं, ये ब्लैक कलर है, चलिए यहाँ से ब्लैक लिए, यहाँ से सटाएं और दूसरे में ना सटे, ये बात का ध्यान रखें। तो चलिए ब्लैक सटाएं मैंने, और ब्लैक जो है शायद इसका लास्ट होगा शायद, ये देखिए ये ब्लैक लास्ट है, और सब नहीं बताएगा, ये देखिए इधर भी नहीं बता रहा है, इधर भी नहीं बता रहा है, इधर भी नहीं बता रहा है, और इधर भी नहीं बता रहा है, बट सबसे लास्ट बता रहा है, ये देखिए लास्ट बता रहा है, तो ब्लैक जो है सबसे लास्ट में बताएगा, बता रहा है ठीक है। तो चलिए इसका ब्लैक लेते हैं, देखते हैं इसका ब्लैक ही लेते हैं, चलिए इसका ब्लैक लेते हैं तो देखते हैं ये बताता है कि नहीं, चलिए लास्ट में ये देखिए, ये लास्ट में हाँ इसका भी ब्लैक ही बताया है ना। तो दोस्तों क्या करना है, इसका ब्लैक और इसका ब्लैक को ज्वाइंट कर देना है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट करें, मगर इतना सिंपल में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस, तो रेड और ब्लैक जो प्लस माइनस ही होगा, चलिए दोनों जो है बता दिया है, कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए अब दोस्तों ये रेड ब्लैक तो हो चुका है, अब देखिए यहाँ से आप क्या लेते हैं, वाइट लेते हैं ठीक है, चलिए वाइट लेते हैं, तो वाइट को हम सटाएं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से चेक करते हैं आप कौन बताता है, तो फर्स्ट एंड लास्ट हो चुका है, चलिए बीच वाला से चेक करते हैं, लास्ट इसका इसका दो नंबर है, इसका दो नंबर बता रहा है, इसका मतलब ये देखिए दोस्तों ये जो है इस साइड से दो नंबर बता रहा है, ये देखिए ये बता रहा है ना। तो देखो अब देखिए चलिए हम इधर, चलिए इसका वाइट, इसका भी वाइट ही लेते हैं, चलिए वाइट लेते हैं, तो इधर से आपको दो नंबर बताना चाहिए, इधर से दो नंबर, चलिए दोस्तों ये भी जो है ये भी बता रहा है ना, चलिए ये देखते ये बताता है कि हाँ ये नहीं बता रहा बट इसका दो नंबर चलिए बता रहा है ठीक है। तो चलिए इसका भी क्या करना है दोस्तों, ये वाला वाइट जो है अब इसका वाइट में आपको जोड़ देना है ना, ये देखिए चलिए दोस्तों ये वाइट तो जुड़ी है, आप देखिए ये बचा, ये ग्रीन बचा है ना हरा, तो हरा दोस्तों एक एक तार बचा हुआ दोनों में, तो ये इसका ये जोड़ देते हैं ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए सारा कनेक्शन जो है बिल्कुल हो चुका है ठीक है, अब सबको अच्छा से करके हम सोल्डिंग कर देते हैं। बिल्कुल सोल्डिंग भी हो चुका है, अब क्या है दोस्तों अब जो है इसको क्या करना है, अब हमको टेप मारना है हमें ठीक है। तो चलिए हम ऐसा टेप मारेंगे दोस्तों, तो ये ताकि एक दूसरे में सटे नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप ठीक है, तो ये सबका जरूर ध्यान रखें। तो चलिए हम तो देखो दोस्तों आई थिंक ये आपका पक ये हो चुका है ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।